हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से माई स्मार्ट यूपी बिहार के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको नियोजित शिक्षकों से संबंधित हर एक छोटी बड़ी अपडेट लगातार मिलती रहे। नियोजित शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर बड़ी खबर आई है। शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला आया है। बिहार के नियोजित शिक्षकों को नई ट्रांसफर पॉलिसी का लंबे समय से इंतजार था। फिलहाल नियोजित शिक्षकों का जिला से बाहर स्थानांतरण नहीं किया जाएगा। नई स्थानांतरण नीति में सरकार की ओर से व्यवस्था की जाएगी। नियोजित शिक्षकों को इसका बेसब्री से इंतजार भी। आपको बता दें कि बिहार के नियोजित शिक्षकों को नई तबादला नीति का बेसब्री से इंतजार है। मौजूदा प्रावधानों के तहत नियोजित शिक्षकों का जिला से बाहर ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। ऐसे में उन्हें लंबे समय से नई ट्रांसफर पॉलिसी का इंतजार है, ताकि उन्हें इसका लाभ मिल सके। इसको लेकर बिहार शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला किया है। इसके तहत नियोजित शिक्षकों को फिलहाल कुछ और वक्त का इंतजार करना पड़ेगा। नई ट्रांसफर पॉलिसी आने के बाद ही यह तय हो पाएगा कि नियोजित शिक्षकों का जिला से बाहर स्थानांतरण होगा या उन्हें इस सुविधा का लाभ नहीं दिया जाएगा। यदि जिले से बाहर तबादले की सुविधा दी जाएगी तो उसका तौर तरीका भी क्या होगा। दरअसल लंबे समय से ट्रांसफर के इंतजार में बैठे बिहार के नियोजित शिक्षकों को अभी जिले से बाहर तबादले के लिए और लंबा इंतजार करना पड़ेगा। बिहार शिक्षा विभाग ने फैसला लिया है कि अभी नियोजित शिक्षकों का एक ही नियोजन इकाई के अंतर्गत ट्रांसफर हो पाएगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशक मनोज कुमार ने बताया कि शिक्षकों और पुस्तकालय अध्यक्षों के तबादले के लिए वेब पोर्टल तैयार किए जा रहे हैं। वेब पोर्टल तैयार होने के बाद भी जिस नियोजन इकाई में शिक्षक कार्यरत हैं, उसी में तबादला हो पाएगा। हालांकि निदेशक ने भरोसा दिलाया है कि इसी महीने में तबादले की प्रक्रिया शुरू होगी और इसको लेकर शिक्षा विभाग की तरफ से सभी डीओ को पत्र लिखा गया है। आंकड़ों की बात करें तो लगभग 50,000 महिला शिक्षिकाओं को हर रोज परेशानियों से दो चार होना पड़ रहा, क्योंकि अब तक सेवा के दौरान एक बार भी तबादले का लाभ उनको नहीं मिल सका है। आपको बताते चले कि पिछले 5 साल से शिक्षक संघ तबादले की मांग को लेकर आंदोलन करते आ रहे हैं, जिसके बाद शिक्षा विभाग ने नियमावली बनाया था। इसके अनुसार सेवा के दौरान शिक्षकों को अंतर जिला तबादले का लाभ मिलेगा और उसमें महिला और दिव्यांग को पहले मौका दिया जाएगा। महिला टीचर बरसों से अपने घर से दूर रह रही और एक उम्मीद जगी थी कि इस महीने च्वाइस पोस्टिंग का लाभ मिलेगा। फिलहाल शिक्षा विभाग जिले से बाहर तबादले की सुविधा देने के मूड में नहीं है और इसको लेकर नई रूल बुक बनाई जाएगी। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। यहाँ पर आपको नियोजित शिक्षकों से संबंधित हर एक छोटी बड़ी अपडेट लगातार मिलती रहती है।